Euclid's postulates will be discussed in this part. Axioms given by Euclid is already discussed in previous part. You can check the link in description box. So let's begin. The postulates given by Euclid are as follows. The very first is, a straight line can be drawn from any one point to another point. एक स्ट्रेट लाइन को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं. वी हैव दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी. वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. सो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट. एक्सियम 5.1 ऑल्सो सेज द सेम थिंग. गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर वहां पे दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम. इनसे हमेशा एक यूनिक लाइन पास होगी. दो पॉइंट से डिस्टिंक्ट पॉइंट है जो, उनसे एक यूनिक लाइन पास होगी. अगर एक सिंगल पॉइंट है हमारे पे तो उससे इनफाइनाइट लाइन्स पास हो सकती है लाइक दिस. बट थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ओनली वन लाइन कैन पास. सेकेंड पोस्टुलेट इज, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी फर्दर प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली. टर्मिनेटेड लाइन ये है हमारी, नाउअडेज इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. इसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली दोनों साइड से इन दिस वे. थर्ड इज, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. एक सर्कल को हम किसी भी सेंटर से और कितने भी रेडियस से ड्रॉ कर सकते हैं. सपोज वी हैव दीज थ्री सेंटर्स, दिस इज द रेडियस. सपोज द रेडियस इज थ्री हेयर, अनदर रेडियस वी ड्रॉ. अब सपोज वन सेंटीमीटर, अनदर रेडियस 4 सेंटीमीटर. इन दिस वे अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. नाउ आर फोर्थ पोस्टुलेट इज, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. सारे राइट एंगल्स डेफिनेटली इक्वल होंगे एक दूसरे के, बिकॉज राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज. अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, हियर द एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज अ राइट एंगल. ऑल द फोर एंगल्स आर राइट एंगल्स and they are equal to 90 degree. So basically all right angles are equal to one another. Now fifth postulate is little lengthier, but it is also very easy. We'll understand through a diagram, then we'll able to understand it more easily. If a straight line passing on two other straight line, two straight lines hai hamare pe AB and CD. Ek straight line in dono line pe fall kar rahi hai, suppose PQ. Make इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ इट. एक ही साइड पे वे इंटीरियर एंगल्स बना रही है. सपोज दिस इज एंगल वन, दीज आर इंटीरियर एंगल एंड एंगल टू. टेकन टूगेदर लेस देन टू राइट एंगल, अगर इन दोनों को हम प्लस करें टूगेदर लें तो ये जो सम बना रही है दैट इज लेस देन टू राइट एंगल्स. टू राइट एंगल्स मीन्स 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री. सो हमारा जो एंगल वन है प्लस एंगल टू है दैट इज लेस देन 180 डिग्री. उनका सम 180 डिग्री से कम है. Then the two straight line if produced indefinitely, अगर ये दो straight line AB और CD को हम produce करें और आगे तक, they will meet on the side on which the sum of angles is less than two right angles. इन दोनों का sum angle one और two का 180 से कम है, तो उसी तरीके से अगर हम AB और CD को produce करें तो वो एक point पे आके meet होंगी. So हम AB को इधर तरफ से produce करेंगे and CD को, so they have meet on this point. So, ये हमारा पोस्टुलेट 5 हमें बताता है. नाउ दीज पोस्टुलेट्स आर कंप्लीटेड. वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म विच इज नीडेड टू बी एक्सप्लेन्ड इज थ्योरम्स. आफ्टर यूक्लिड स्टेटेड हिज पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स, ही यूज्ड देम टू प्रूव अदर रिजल्ट्स. यूक्लिड ने जब पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स को स्टेट कर दिया, उनका यूज थ्योरम्स को प्रूव करने में आया, कुछ रिजल्ट्स को प्रूव करने में उनकी मदद मिली हमें पोस्टुलेट्स एंड एक्सियोम्स की. देन यूजिंग दीज रिजल्ट्स, और उन रिजल्ट्स को यूज करके ही प्रूव्ड सम रिजल्ट्स बाय अप्लाइंग डिडक्टिव रीजनिंग. द स्टेटमेंट दैट वर प्रूव्ड, जिन्हें प्रूव किया गया एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स की मदद से, दैट वर कॉल्ड प्रोपोजिशंस और थ्योरम्स. So, I hope the concept of postulates and theorems must be clear to you. If you have any doubt in any of the portion, you can ask your queries in comment section below. From the next part, we'll begin our exercise portion.